नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और फिट पाठेंगे। तो आज मैं आया हूँ आमिर भाई के सेटअप में, जो कलकत्ते में आया हूँ। और आज बिल्कुल 4 से 5 दिन हो चुका है, बल्कि 4 तारीख को आया हूँ, आज 5 दिन है। तो मैं घर में थोड़ा बोर हो रहा था, मैं सोचा कहीं मिल नहीं रहा है, और आस पास में इतना दूर है ये लोग, क्या बताएं। तो आज आया हूँ फाइनली बिल्कुल टाइम लेवल ले के। तो चलिए चलते हैं, पहले उनसे मिल लेते हैं आमिर भाई के सेटअप में। और आमिर भाई से बातचीत हो गया है, तो चलिए चलते पहले आमिर भाई से मिलते हैं। ये आ गए आमिर भाई, तुम्हें भाई कैसे हैं? बढ़िया लगा। और मेरा युवा से भी बोलना चाहूँगा, आप भी कैसी हो, मतलब आप लोग भी कैसी हो? कैसे हो? और देखिए, विपुल भाई मेरे घर पे आया, मतलब इनसे एक बार परिचय हुआ था दिल्ली, हम लोग नेक्स्ट ईयर हम जब सेमिनार में गए थे उस टाइम हम लोगों के साथ एक बार परिचय हुआ। लेकिन वो परिचय होने के बाद 2000 किलोमीटर उत्तराखंड से खींच के मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ा, मतलब आ गया यहाँ पे। तो ये एक्चुअली जो है ना, प्यार की वजह से। हाँ, और कुछ नहीं यार, और आप लोग भी आना चाहता है, कोई भी आना चाहता है, सबको भी बोलना चाहूँगा मोस्ट वेलकम, वेलकम आओ। देखो, गरीब हो सकते हो लेकिन एक कप चाय तो पिला सकते हो। तो देखिए, मेरे पास ऐसे बड़ा फॉर्म मैं तैयार नहीं कर पाया, और जितना सारा है मैं खुद मेहनत करके, इतना कष्ट करके, मेहनत करके फॉर्म तैयार किया। तो दादा, यहाँ से ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा फॉर्म पे डायरेक्ट चलता हूँ। चलिए चलते हैं फॉर्म पे और दिखाते हैं उनके पास क्या क्या है और क्या क्या बढ़ सकते हैं और कैसा कैसा बढ़ सकते हैं। चलिए चलते, इसके बारे में मेडिसिन के बारे में भी पूछेंगे, सब सब जो है नॉलेज दिया जाएगा। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। मेरे पास 2-3 बार रिजल्ट आए हैं, और इसके बदले में राख नहीं पाया, उसके साथ साथ मेरा काम हो गया है। इसका उम्र आपका 2.5 साल से ज्यादा है, और कुछ दिन बाद मोबाइल देख के डर है, कुछ नहीं करेगा, ये तो फुल टाइम है आपका। उसके साथ साथ ऑक्सीजन फुल टाइम में, लेकिन इसको और देखो, ये मेरा सान कोने का बॉक्स में लगा कर जो अपलोड दिया है, मेरे जो चैनल में अपलोड दिए थे, और उसमें 4 अंडा ले दिया था। मेरा व्यूअर्स, मतलब आपका भी दिखाएंगे कितना, मतलब अंडे वाला ले किया है, उस समय 4 थे, 4 अंडा है। अरे इसके बेबी आ गया, 3 बेबी आ गया, माशाल्लाह काफी अच्छा है। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, इसलिए देखो यार, मैं अंडे ले लिया था, लेकिन आने के बाद 2-3 बेबी मुझे देखने। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इसलिए देखो, आए बॉक्स चेक किया, बेबी मतलब खुशी हो रहा हूँ, लकी मैन भी बोल सकते हो मैं, ठीक है। और देखो, मेहनत के ऊपर, लकी मैन भाई, मेहनत जो मेहनत करेगा उसके ऊपर मिलेगा, फल देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हो, ये मेरे पास आपका शान को नहीं हो रहा है, ऑलरेडी 2 साल उम्र होने जा रहा है, तो रखे है। और ये नीचे देखिए, पाइन एप्पल कोनियो है, इसमें 2 बेबी है। और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपका, और 3 बेबी है, मतलब 2 बाहर है और 3 बेबी बॉक्स के अंदर है। अलग करने का मुझे ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन काफी अच्छा है, इसमें ग्रोथ भी देखिए, मेरे हाथ की तरफ ग्रोथ देखो इसको है कितना। हाँ, और एक काम है, आ जाओ छोटी तो और यहाँ पे 2 बेबी बाहर आ गया और 3 बेबी हेल्थ हुआ है, और बेबी का ग्रोथ कैसे लगा, बहुत ही शानदार, खिलाया है और बहुत ही शानदार, थोड़ा सा जगह नहीं है, और भी फीडिंग कर पाएगा, लेकिन खाना खत्म हो गया वहाँ पे।
अच्छा, और सुबह जो फूल प्रोग्राम दिए थे वो खत्म हो चुके हैं। दो देवी अभी बाहर निकला हुआ है। हाँ, दो देवी मुझे इतने देवी आता है ना, तो साल में 10-15 देवी ये लोग दे देता है। अरे इतना देवी होता है और इसको रखते हैं। और देखो मेरे पास ज़्यादा मतलब लाभार्थ में उस टाइम खास टाइम मेरे पास लाभार्थ था आपका 80 की 100 की तरफ 80 से 100 की, लेकिन अभी 35 का लाभार्थ है। 3 बेबी है। ठीक है, ये ब्लू मार्क के से क्या निकला है, वायलेट मार्क, वायलेट मार्क है, पीस पीस लबर, उसमें से भी आया। नीचे देख सकते हो एक सिंगल फैक्टर वायलेट मार्क, एक डबल फैक्टर। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी वायलेट मार्क्स है सबको मैं क्रॉस करता हूँ, मतलब सिंगल के साथ डबल लगाता हूँ, उसमें जो कुछ भी बेबी आता है सब वायलेट मार्क्स आएगा। लेकिन ये डबल फैक्टर टू डबल फैक्टर लगाऊंगा उसमें बहुत मार्क्स आएगा, मतलब प्राइस बढ़ चुके हैं। लेकिन सिंगल के साथ में डबल लगाऊंगा सारा का सारा बेबी वायलेट मार्क्स आएगा, डबल फैक्टर आएगा, सिंगल फैक्टर आएगा, लेकिन मॉक्स नहीं आएगा। ये सोचना हो वायलेट मार्क्स डबल डबल मार्क्स करो, सिंगल डबल मिक्स करके करो, उसमें डबल फैक्टर आएगा तो सिंगल फैक्टर भी आएगा। और उनको ब्लू सैडल पॉइंट इसमें दो बेबी है। ठीक है, बेबी है दो। हाँ, इसमें एक मॉफ आया है, ऑलिव मार्क्स आया है। ठीक है, इसमें दो बेबी है। और एक यहाँ पे देखिए पार्ब्लू वायलेट फिश में, पार्ब्लू सैडल है और वायलेट फिश भी है। अच्छा, पार्ब्लू का क्या रेट है अभी? पार्ब्लू बेंगलोर में चल रहा है, आपको क्वालिटी बुक 5000 स्टार्टिंग आपको क्वालिटी 5000। और यहाँ पे आपको एक चीज पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको फीमेल मर चुके हैं, अंडे वगैरह अटक गया था पेट में, इसका डिमांड भी अभी भी सही है मार्केट में। इसका भी फीमेल मर चुका है मेरे पास, फीचर ऑप्शन नहीं था, तो किसी चीज़ से लगा सकती है ब्रीडिंग सीजन नहीं अभी, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं सोच रहा हूँ। हाँ, अभी नहीं चाहिए। ये स्प्लिट बोलता है, स्प्लिट बोलता है। और यहाँ पे आपका ग्रीन फीचर और आपका येलो फीचर बट ब्लू मार्क नहीं, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी एक बेबी हैच हुआ है। ठीक है, एक बेबी हैच हुआ है, आप तो देखते ही नहीं होंगे, मैं आया हूँ तभी देख रहे हो कि इसमें बेबी आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी फीचर ऑफ लाइन ये बॉक्स, इसमें कोई अंडे वगैरह लिंक नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चलो बाहर, चलो आ गया बाहर। ये देखो, ये है फीचर ऑफ लाइन ही, मतलब ये अभी इसका डिमांड बढ़ा है, डिमांड होता है इसका। अच्छा, और यहाँ पे देखिए वायलेट मार्क्स, वायलेट मार्क्स डबल फैक्टर मैंने पीआर लगाया, लेकिन ये पीआर को मुझे तोड़ना पड़ेगा। सिंगल फैक्टर का सब मार्क्स निकलता है। अच्छा, ये सिंगल फैक्टर में लगाएंगे मैं। और यहाँ पे लबाज का बेबी देख सकते हो, कुछ बेबी अभी आया है, वो बेबी मैंने बहुत उड़ीसा में जाके पहुँचाया बेबी को मैंने। और यहाँ पे जैसे आपका सबसे अच्छा लगता है ये आपका लबाज, देखिए येलो कलर होता है, येलो कलर, हाँ ब्लैक मार्क को इसमें बोलता है, येलो कलर बोलता है, लेकिन इसका डिमांड मार्केट में बहुत है, बहुत है। देखिए ना कितना शानदार है, कितना अच्छा देखिए अंदर कलर है, देखिए। और ये देखिए आपका वायलेट सेवल लबाज, सेवल, हाँ वायलेट सेवल लबाज लगा दिया बॉक्स में यार, ना उस टाइम तो कोई फायदा नहीं है आपका, फिर तो कोई फायदा नहीं है। और ये कुछ क्या बोलते हैं, हाँ ये है, अगर आप ये पेयर लगाएंगे तो इसमें आपका लूटने फीचर रहेगा और एल्बिनो मार्क्स आएगा। ये सारा बेबी को मैंने परचेज किया है, जहाँ से मैंने परचेज किया है वहाँ का सारा घर से, एक जगह का बाहर से नहीं, ये सारा घर से मैंने कलेक्शन किया है। यहाँ जो ब्लड लाइन है ना, कम रेंज में बात करें, ब्लड लाइन महंगे वाले, मतलब यहाँ से एल्बिनो मार्क्स आएगा। अभी एल्बिनो मार्क्स 10,000 चल रहा है, तो एक 2000 का बाट से 10,000 का बेबी आ जाए तो कितना खुशी होगा। बहुत ही जबरदस्त सेटअप आपका।
ऊपर चला जाएगा उसको, लेकिन टाइम लगेगा, सब कुछ टाइम देके करना पड़ता है। जल्दी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। धीरे करके करेंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, और बहुत कुछ मिलेगा। और मेडिसिन के बारे में थोड़ा बताएं। देखो इसके मामले में आपका पार्ट जो है इतना सॉफ्ट रहता है, बढ़िया रहता है, मस्त रहता है। हर कोई किसी का मतलब ऐसे नहीं देख रहा हूँ कि वो सुस्त बैठे हुए, सब देख रहा है कि एकदम मैं क्या करता हूँ, मैं अलग कोई भी मेडिसिन नहीं खिलाता हूँ। ओनली फॉर स्टार फार्म, यहाँ पे देख सकते हो, ओनली फॉर स्टार फार्म, जैसे कैल्शियम है, फीवर के लिए, बस एनर्जी ठीक रहने के लिए, प्योर उसको साथ साथ ब्रीडिंग पर बस जो कुछ भी मैं मेडिसिन खिलाता हूँ ना, ओनली फॉर स्टार फार्म। स्टार फार्म का बहुत ही बढ़िया है और हमने भी यूज़ किया है। अगर आप स्टार फार्म को यूज करेंगे ना तो एक बार यूज करो, देखने के बाद आपको, हाँ यूज करने के बाद आपको पता चलो मेडिसिन का दाम है, दाम है मेडिसिन का दाम है। बाकी तो इसके और भी मेडिसिन अभी आया है, स्टार फार्म का ठीक है। अगर स्टार फार्म का मेडिसिन आता है तो किसी से कॉन्टेक्ट करो, पहुँचा देंगे आपको। आप जहाँ इंडिया के अंदर आपको मेडिसिन आपको पहुँचा पहुँचा देंगे, हाँ होम डिलीवरी हो जाएगी। और नहीं बाकी और भी तो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 100 का मैंने कॉलोनी सजेस्ट किया। और नीचे जेबी वगैरह घूम रहे हैं, जेबी वगैरह घूम रहे, देखिए ना कितना सुंदर है। अलग बात जाके अंडे वगैरह गिरा दे रहे, लोग चल रहा है, लेकिन सेपरेट सेपरेट के मैं 50 पेयर रखूंगा, उसमें 100 पेयर से ज्यादा मैं रिजल्ट कर लूंगा। मतलब यहाँ पे 100 पेयर जितना रिजल्ट किया है, मैं 50 पेयर अलग करके उससे 2 गुना ज्यादा रिजल्ट करूंगा जी। मैं अगर आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा, अगर कोई बजिश का फॉर्म तैयार करने के लिए आप सोच रहे हो तो आपको एक काम करना होगा, सबसे पहले बजिश पालो, उसके बाद आप कोई भी बोलते ना इतना बात को बात क्यों मेहनत करेंगे, हाँ देखो मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत बिना मेहनत नहीं होगा। कॉलोनी करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, काम करने के ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप अलग अलग सेपरेट करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा देना होगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट आएगा, माँ कसम खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया आएगा ना, तो आपको बोल के मतलब क्या बोलूँ, जब करेंगे आपको तब पता चल जाएगा रिजल्ट कितना अच्छा आता है। बहुत ही शानदार है, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है। और देखो कॉलोनी के अंदर थोड़ा बहुत गंदा होता है, होता है ये तो है ना, ये हफ्ते का गंदा था, दाने का छिलका है, दाने का छिलका है, एक हफ्ते बाद हम साफ करते हैं कॉलोनी के अंदर, जैसे डेली नहीं साफ करते हैं, साफ होता है एक हफ्ते में एक दिन करके मैं साफ करते हैं 2 बार, मतलब काल मेरे को साफ करना है कॉलोनी, चाहे हो नहीं मुझे कॉलोनी साफ करना है, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं कौन सा ब्रीडिंग प्रोग्रेस में, मतलब बेबी वगैरह है, देखिए अंडे वगैरह लेके है, कितना अंडा, ओए बाप रे यहाँ 7 अंडा ले गया, 7 अंडा ले गया, ये देखिए 7 अंडे, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे अंडे ले गया, लेकिन देखो एक कॉलोनी का दिक्कत क्या, देखिए तोड़ दिया अंडा तोड़ दिया, ये कॉलोनी का अंदर यही डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैं अलग करूँगा, सेपरेट करूँगा, उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी दो अंडा देखने को मिला, और बहुत ही शानदार, यहाँ पे 4 अंडा देखने को मिला, 4 अंडा है, यहाँ पे भी 6-7 अंडा देखने को मिला, हाँ यहाँ पे भी कभी सही प्रोग्रेस है, वो है भाई थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है कॉलोनी के अंदर, बहुत ही अभी जो है ब्रीडिंग सीजन तो भी कम है, हाँ गर्मी का गर्मी का सीजन आ गया है अभी तो, उत्तराखंड में भाई गर्म ठंडा है, हमारा है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, हाँ
हमारे इधर तो अभी ठंडा है फिर भी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ही शानदार आपका शो लगा, बहुत ही बहुत लगा। और चलो वीडियो यहीं तक ही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। और एक बार बोल रहा हूँ, दादा देखिए बिल्कुल भाई नोट करके मतलब वहाँ से आए जरूर सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए आप लोग आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगता है भाई, दिल से बोलता हूँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मन लगता है, तो जरूर सपोर्ट कीजिए। आप एक बता दीजिए लास्ट, और गाइस देखिए मेरा डायलॉग खत्म कर दो, गाइस देखिए वीडियो कैसे हो जरूर कमेंट करके बोल दीजिए, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक और वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बोल दीजिए। तो गाइस आज के वीडियो यही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे इस नया वीडियो नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।